हाँ जी मैम, क्या है आपके स्कूल का टाइमिंग? 8 o'clock. स्कूल इंचार्ज स्कूल नहीं पहुँचेंगे तो टीचर कैसे स्कूल पहुँचेंगे? 11 टीचर लेट आ रहे हैं. मैं जब भी आती पंखे नहीं चलते, गर्मी में बच्चे सड़ते हैं, मरते हैं, गलते हैं. तो बताइए, ये तो कोई एक दिन की गंदगी नहीं है ना मैडम? खोलिए जरा इसको, ये सब क्या है गंदगी इसमें? ये भी स्टोर रूम है? 6-6 कमरों को इन्होंने स्टोर रूम बनाया हुआ है एक स्कूल में. ये सब क्या है इसमें? कालक जमी हुई है. यहाँ से बच्चे पानी पीते हैं? आप अपने बच्चों को भेजेंगे ऐसे स्कूल में? देख लीजिए सर. एक हफ्ते का टाइम है आपके पास स्कूल को ठीक करवाने के लिए. बिल्कुल ठीक कराऊंगा मैं. प्रिंसिपल मैडम का ऑफिस किधर है? अभी आप दो ही हैं? हम ही होते हैं. और प्रिंसिपल का क्या नाम है मैडम का? प्रिंसिपल मैम, इंचार्ज. हाँ, इंचार्ज कौन है? वही बात. अच्छा, उनका नंबर है आपके पास? उनको जरा कॉल लगाएं. हाँ जी मैम, क्या है आपके स्कूल का टाइमिंग? 8 o'clock. अच्छा, तो 8 o'clock तो बच्चों का टाइमिंग है, टीचर्स का टाइमिंग है? हाँ जी, बच्चों का. अच्छा, तो टीचर्स को कितने बजे पहुँचना होता है और आपको कितने बजे पहुँचना होता है? आप इंचार्ज हैं? 7:45. तब तो 8 बज गए हैं मैडम, मुझे भी आए हुए 5-7 मिनट हो ही गए हैं. स्कूल इंचार्ज स्कूल नहीं पहुँचेंगे तो टीचर कैसे स्कूल पहुँचेंगे? बुलाइए इनके प्रिंस. कौन है प्रिंस? टीचर्स वगैरह आइए सर, आपसे पढ़ाते हैं. यहाँ पे बच्चों के स्कूल का ओपनिंग का टाइम क्या होता है? 8 o'clock असेंबली टाइम है. तो अगर 8 o'clock असेंबली टाइम है तो टीचर्स के पहुँचने का क्या टाइम होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टीचर लेट आ रहे हैं. जब 11 टीचर लेट आते हैं इसका मतलब ये है कि रोज स्कूल का यही हाल है. चलिए जाइए अपने अपनी क्लासेस में जाइए. टीचर्स का अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए. हाँ जी, आइए मैडम. स्कूल में बहुत बुरा हालत है. मैं जब भी आती हूँ आज मुझे 6 महीने हो गए हैं, पंखे नहीं चलते हैं, गर्मी में बच्चे सड़ते हैं, मरते हैं, गलते हैं. प्रिंसिपल 6 महीने हो गए आए हुए, टीचर अभी ऐसी ही है. करिए भैया, एक टीचर यहाँ काम कर रही थी, मैंने बोला पता क्या कह रही है, मेरे से बहस मत करो. और ये आज तो नहाए हुए लग रहे हैं पर ये नहाते नहीं है. स्कूल में सफाई थोड़ी ना होती है. तो मैं देख रही हूँ. कोई नहीं, आप चिंता मत करिए, हम ठीक करेंगे, इसीलिए आए हैं. क्लास में कुत्ता मर गया था, मैं जाके कुछ झाड़ू लगा के फिर मैं अपनी लड़की को बिठा के गई हूँ. स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है. यहाँ टीचर्स ही लेट आते हैं. अगर हम कुछ कंप्लेन करते हैं तो ये बोलते हैं कि यहाँ टीचर्स ही नहीं है, हम क्या करें. हम कंप्लेन करते हैं, आगे कोई सुनवाई नहीं हो रही. स्कूल के अंदर बैठने के लिए टीचर बच्चों को और 8 बजे तो झाड़ू लगती है यहाँ पर, बताओ. अब ये मेरी जिम्मेदारी है, आप चिंता मत करो, हम स्कूल को 100% ठीक करेंगे. ठीक है ना? आठ बजे स्कूल में सिर्फ 2 टीचर मौजूद थे, ना आपकी इंचार्ज मैडम मौजूद थी, ना जिन भाई साहब के पास इस प्रिंसिपल ऑफिस की चाबी रहती है वो मौजूद थे. मैडम क्यों नहीं थे आप लोग? होना चाहिए था आप लोगों को. सुबह कितने बजे का स्कूल खुलने का आपका? 8:45. मैम इनकी अगर नहीं खोल रहे हैं तो इनको इनको हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तुरंत. आप सबके सब टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? जी, सबके खिलाफ करेंगे. जितने भी अवेलेबल नहीं है, जितने भी 11 टीचर स्कूल से बाहर थे 8 बजे. मैम 11 के खिलाफ करेंगे, सबके खिलाफ करेंगे. तो फिर सवाल ये है कि आप लोगों को ये पता कैसे नहीं है? ये मुझे कैसे पता है कि जी ब्लॉक जहांगीरपुरी के स्कूल में टीचर लेट आते हैं लेकिन आपको नहीं पता है? आप लास्ट कब आए हैं सर स्कूल में? रिजिट होगा मैम, उसको साइन रखे होंगे बकायदा. दिखाइए मैडम, रजिस्टर कहाँ है? 4 अगस्त को है. सरोज मैडम का कुसुम लता जी को कॉल किया आपने? कॉल नहीं रिसीव. ये टीचर अभी भी स्कूल में मौजूद नहीं है. 8:30 बजे तक टीचर नहीं आते हैं. अभी सारे पेरेंट्स खड़े थे यहाँ पे मेरे पास. एक महीने में कितनी लीव अलाउड होती है टीचर को? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. जो आपके स्कूल इंचार्ज हैं उन्होंने एक महीने में 8 दिन तो लीव ली हुई है. अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप बता दीजिए स्कूल वालों को. देखिए, इंचार्ज कोई नहीं बनना चाहेगा क्योंकि इंचार्ज बनने पर उनको काम करना पड़ता है, जिम्मेवारी बढ़ती है, इस वजह से भाग रहे हैं ये. ठीक है, खोलिए जरा इसको.
हाँ जी, ये सब क्या है? ये तो स्टोर है, कबाड़खाना तो नहीं है ना? स्कूल के अंदर कमरे किसी ऐसी हालत होनी चाहिए क्या? साफ सुथरा तो करके रखिए इसको। ये सब क्या है गंदगी इसमें? ये सब क्या है? सफाई वाला हमने अलग से भी रखे हुए हैं। ये क्या कमरा है? ये भी स्टोर रूम है? अच्छा, तो ये आपका दूसरा स्टोर रूम है। बताइए सर, तो बताइए, ये तो कोई एक दिन की गंदगी नहीं है ना मैडम? बताइए, जमा पड़ा है। सफाई तो बहुत हो रही है, एक्स्ट्रा भी बंदे हैं, बाहर से भी बुलाए हैं, वो भी कर रहे हैं। आइए, ये पीने का पानी है? कूड़ा डाल देते हैं ना, वो भर जाता है, तो फिर ऐसा नहीं है। और ये पीने के पानी की जगह है, यहाँ से बच्चे पानी पीते हैं? आप अपने बच्चों को भेजेंगे ऐसे स्कूल में? बताइए, देख लीजिए सर, अभी आपको पता चल जाएगा कि ये दो मिनट में ही अभी साफ हुआ है, इसका हाल देखिए। मैं तो गंदगी की बात कर रही हूँ, दिख रहा है ना? देखिए, तो हम डेली करते हैं। आप देखिए, तो डेली की सफाई आई है, आप बताइए, ये डेली की सफाई है? सफाई नहीं, उतनी सफाई नहीं है जितनी होनी चाहिए। आपके HOS को कितने बजे तक पहुंचना होता है स्कूल? सवेरे 7:45। अगर वो 7:45 पहुंचेंगे तो वो सफाई कब करवाएंगे? 7:45 तक तो स्कूल रेडी होना चाहिए आपका। सफाई कर्मचारी 7:30। आपको खराब नहीं लगता मैडम बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाते हुए? ये देखिए, गंदगी जमी पड़ी है यहाँ पे। उस कमरे में आपके डेस्क पड़े हैं, यहाँ पे बच्चे जमीन पे क्यों बैठे हुए हैं? इस कमरे में डेस्क भरे पड़े हैं और आपने बच्चों को वहाँ पे जमीन पे बैठाया हुआ है? जब यहाँ हमारे पास डेस्क, जब डेस्क पड़े हैं आपके पास, तो आपने बच्चों को फर्श पे क्यों बैठाया हुआ है? इस कमरे का हाल देखिए। मैम अपनी तरफ से तो हम इनको रेगुलर कहते हैं, अब वो इतना ही कर पाता है। ठीक है मैडम, हाँ जी डीडी साहब बताइए, ये क्या है? कंडम क्यों नहीं कराया? कितने स्टोर रूम है आपके स्कूल में? ये आपके अभी तक का तीसरा चौथा स्टोर रूम है। और ये क्या है? पीने के पानी का अरेंजमेंट क्या है? ये यहाँ से बच्चे पानी पीते हैं? गुड मॉर्निंग, कौन सी क्लास है ये? मैम नहीं है, कौन है मैम आपकी? कुसुम मैम। कहाँ है कुसुम मैम? ये बच्चे ज़मीन पे क्यों बैठे हुए मैडम? मैडम का कहना है कि डेस्क ऊपर लाने में बड़ी दिक्कत होती है। अपना अटेंडेंट लगाओ, अटेंडेंट है ना? क्लास नीचे है, क्लास ले जाओ, पाँचवीं या डेस्क ऊपर ले जाओ, दो ही चीज़ें हैं, कोई इशू ही नहीं है इसके अंदर तो। गुड मॉर्निंग, कौन सी क्लास है? कॉपी दिखाओगे आप अपने बच्चे? अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो दिखाओ। आखिरी चेकिंग सर 18:09 की है। तो एग्जाम्स कब खत्म हुए? हाँ जी, ये क्या है मैम? आपके स्कूल में सफाई नहीं है, आपके स्कूल में टीचर्स गायब हैं, आपके स्कूल में टीचर्स छुट्टी पे हैं आपको बताते नहीं हैं, मैडम खुद 8-8, 10-10 दिन की लीव पे रहती हैं एक महीने में, बताइए स्कूल कैसे चलेगा? अगर टीचर्स को पता हो कि DD साहब 8 बजे पहुंच सकते हैं, कोई टीचर लेट नहीं आएगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में। ये भी स्टोर रूम है? आइए, क्या है? गंदगी का पिटारा है, 6-6 कमरों को इन्होंने स्टोर रूम बनाया हुआ है एक स्कूल में। हर तरफ गंदगी है,
आपके टीचर्स टाइम पे नहीं आते हैं, आपकी इंचार्ज टाइम पे नहीं आती हैं। 8 बजे 11 टीचर लेट थे, उसके अलावा अभी भी 4 टीचर स्कूल में उसके अलावा नहीं है, उसमें से 3 बिना इन्फॉर्मेशन के गायब हैं। आपके बच्चे यहाँ पे ज़मीन पे बैठे हुए हैं ऊपर की क्लासेस में, यहाँ पे डेस्क भरे पड़े हैं क्लासरूम में, मतलब अब आप बताइए ये क्या स्कूल है, कोई क्यों भेजेगा अपने बच्चों को इस स्कूल में, किस चीज़ की सैलरी ले रहे हैं सब लोग। और ऐसा नहीं है पता नहीं है, मेंटर टीचर तो बता ही रही हैं, आप मेंटर टीचर से ही बात कर लीजिए, तो आपको पता नहीं था कि स्कूल इतने बुरे हाल में है? अगर आपको पता था ये स्कूल इतने बुरे हाल में, आप ही कभी आ गए होते यहाँ पे? ये किसी भी स्कूल के ये हालात एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, जितने भी शॉर्ट कमिंग हैं मैं तुरंत दूर करवाता हूं। आप अपने सारे मेंटर टीचर्स के साथ बैठिए जी, मैं ये फीडबैक लीजिए कि कौन कौन से स्कूल्स में प्रॉब्लम है, और आप मुझे आके ब्रीफ करेंगे कि कौन कौन से स्कूल आपके डिस्ट्रिक्ट में हैं जहाँ पे अभी भी समस्याएं हैं, और रोज आप उन्हीं स्कूलों में जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाइए जो सारे टीचर्स एब्सेंट हैं बिना। हाँ जी, वो आप बता रहे थे कि मैसेज आया है 2 टीचर्स का, वो कहाँ पे है? 8:20, 8:40 पे किसी का भी वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता सर। नहीं बिल्कुल नहीं होगा, ये तो पहले से मैसेज आएगा। ये तो हमारी जब पता इनको चल गया है कि हम स्कूल में आ गए हैं, तब इन सब ने मैसेज भेजे हैं। एक्सेप्टेबल सर, मैडम के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनको शो कॉज नोटिस दीजिए, इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये नहीं हैंडल कर सकती हैं तो किसी और को इंचार्ज बनाइए। 800 बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में, ठीक है। और जो टीचर स्कूल में नहीं है उन सब पे एक्शन होगा, बिल्कुल होगा मैम, आज ही होगा। और आप भेजिए मुझे जो भी आपकी एक्शन टेकन रिपोर्ट, कॉपी आपके पास भी भेजूंगा मैं। 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास जी, मैं स्कूल को ठीक करवाने के लिए, बिल्कुल ठीक कराऊंगा मैं। 1 हफ्ते बाद मैं यहाँ पे या किसी को भेजूंगी, और आपके डिस्ट्रिक्ट में एक और स्कूल में भी आऊंगी, ठीक है, अगले ही मंडे आऊंगी, बिल्कुल मैम। और अगर वहाँ पे भी टीचर नहीं मिले ना, तो फिर एक्शन आप पे होगा सर, ठीक है सर।